Good morning. Good morning to all of you. तो बेटा रे ऑप्टिक्स में हम लोग आज एक अनोखा टॉपिक शुरू करने वाले हैं. And the name of the topic is total internal reflection. काफी इंटरेस्टिंग नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अरे सर रिफ्लेक्शन तो पढ़ा ही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? उससे पहले आपको समझना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल. समझे? क्रिटिकल एंगल. आप लोग तो जानते होंगे, जैसे मान लीजिए एक बहुत ही आपको मस्त मैं आपको एग्जांपल देता हूं. देखिए सपोज कीजिए एक ग्लास है और ग्लास में पानी है. ग्लास में पानी है. आप जब इस ग्लास को अपने उंगलियों से पकड़ के रखते हैं, ठीक है, ये आपके उंगलियां हैं. मान लीजिए पूरा उंगली उतना अच्छे से बना नहीं पाऊंगा मैं. और आप जब ऐसे देखते हो, अंदर से जब देखते हो, ध्यान से सुनना बात को, आप जब अंदर से देखते हो तो ग्लास के पानी के अंदर से आपको बाहर के उंगलियां नहीं दिखते, नहीं दिखते. जबकि ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है और पानी भी ट्रांसपेरेंट है. नहीं समझे? ये मान लीजिए ग्लास है. मान लीजिए ग्लास है. अब मैं इसको ऐसा करके पकड़ा हूं और मैं इधर से जब देख रहा हूं ग्लास के ऊपर से पानी के थ्रू, तो मुझे मेरी उंगलियां दिखनी चाहिए थी, क्योंकि पानी भी ट्रांसपेरेंट है और ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, तो उंगलियां दिखनी चाहिए थी, बट नहीं दिखती. वही मैं अगर जोर से दबा दूं तो दिखती है, वो अलग बात है, बट जब ढीला से पकड़ रखूं तो नहीं दिखती है. क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि अंदर से जो लाइट जो आ रहा है ऐसा, वो बाहर नहीं जा रहा है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है. समझे? अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है. तो दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है. पहले क्रिटिकल एंगल तो समझ ले. तो आइए देखते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है. क्रिटिकल एंगल डिनोटेड बाय IC. तो मैं एक काम करूंगा इसको समझाने के लिए, मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा जिसके इस साइड डेंसर मीडियम होगा और इस साइड रेरर मीडियम होगा, और मैं दो चार नॉर्मल्स बना दूंगा. समझे? दो चार नॉर्मल्स मैंने बना दिया. अब मैं क्या करूंगा, लाइट रे डेंसर से रेरर लेकर जाऊंगा. तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, यानी ये पक्का हो गया कि अगर आपको क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना है तो लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर. रेरर टू डेंसर के लिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं है. इट इज ओनली फॉर डेंसर टू रेरर. तो मैं एक काम करूंगा, एक 20 डिग्री का एंगल लूंगा, इंसिडेंट एंगल 20 डिग्री का इंसिडेंट एंगल लूंगा. और फिर ये सिंस एक ट्रांसपेरेंट इंटरफेस है तो ये लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा और ऐसा रिफ्रैक्ट हो जाएगा विथ रिफ्रैक्शन एंगल ग्रेटर देन 20 ऑफ कोर्स, बिकॉज लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. चलिए ओके, हो गया. अब मैं क्या करूंगा,
एंगल थोड़ा बढ़ा दूंगा. नाउ आई विल टेक इंसिडेंट एंगल एज 30 डिग्री. तो ये थोड़ा सा और बेंड होगा, थोड़ा सा और बेंड हो गया, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 30. तो यहां पर कौन सा फिनोमिनन हो रहा है? रिफ्रैक्शन. यहां पर भी कौन सा फिनोमिनन हो रहा है? रिफ्रैक्शन. चलिए थोड़ा एंगल और बढ़ाते हैं, 45 डिग्री कर दिया मैंने. तो अगेन ग्रेटर देन 45 डिग्री से ये लाइट बेंड हो जाएगा. ठीक है, ऑफ कोर्स दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन 45. हो गया, ये भी रिफ्रैक्शन है. अब मैं एक काम करूंगा, 52 डिग्री लूंगा. सर 52 ही क्यों? ऐसे ही, कोई नेसेसरी नहीं है. मैंने कितना लिया? 52. और मुझे एक हैरतअंगेज चीज देखने को मिलेगा कि लाइट रे जो है रिफ्रैक्टेड वाला, वो ग्रेजेस द सरफेस. क्या बोला सर आपने? ग्रेजेस. ग्रेजेस द सरफेस मतलब पासेस अलोंग द सरफेस. क्या हुआ? 20 डिग्री पर दूसरे मीडियम में गया विथ रिफ्रैक्शन एंगल ग्रेटर देन 20. 30 डिग्री पर दूसरे मीडियम में गया विथ रिफ्रैक्शन एंगल ग्रेटर देन 30. 45 डिग्री पर दूसरे मीडियम में गया विथ रिफ्रैक्शन एंगल ग्रेटर देन 45. और 52 डिग्री पे एक खास चीज देखने को मिल रहा है कि रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया है? 90 डिग्री. तो बेटा इस एंगल को आप, इस इंसिडेंट एंगल को आप क्रिटिकल एंगल कहोगे. समझे? फॉर दिस डेंसर एंड रेरर मीडियम का पेयर, फॉर द पेयर ऑफ दिस डेंसर एंड दिस रेरर मीडियम, 52 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल. नाउ व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली एट क्रिटिकल एंगल? What is happening exactly at critical angle? The refracted ray is grazing the surface. दूसरे medium में गया ही नहीं, वो surface को, surface के along निकला. समझे? तो when light travels from denser medium to rarer medium, then at critical angle, the refracted रे ग्रेजेस द सरफेस. या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री. सर आपने एक और नॉर्मल बना के रखा है, उसका क्या? तो अब मैं सोच रहा हूं कि क्या होगा अगर मैं 52 से भी ज्यादा एंगल ले लिया. तो मान लीजिए मैंने ले लिया 60 डिग्री. मान लीजिए मैंने ले लिया 60 डिग्री. अब जब 52 पे ही सरफेस को ग्रेज कर दिया था, तो 60 पर तो समझ रहे ना आप, क्या हुआ? 20 पर दूसरे मीडियम में गया, 30 पर दूसरे मीडियम में गया, 45 पर दूसरे मीडियम में गया, 52 पर सरफेस को ग्रेज कर दिया, दूसरे मीडियम में नहीं गया. तो 52 से ज्यादा अगर आप एंगल लेते हैं, इफ यू कंसिडर एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन व्हाट विल हैपन? दिस फिनोमिनन विल हैपन. यानी लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा ही नहीं, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा. मैजिकल. सोचिए, लाइट इस पार से उस पार जा सकता था, लेकिन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया इंसिडेंट एंगल, इसलिए लाइट उस पार गया ही नहीं. समझ रहे हैं? यानी अगर अंदर कोई ऑब्जेक्ट था, अगर अंदर कोई ऑब्जेक्ट था और वो आप ऐसे एंगल से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को कि इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन 52 डिग्री बना रहा है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं. क्या समझे? आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं. समझे? बिकॉज द रे हैज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, एंड ऑफ कोर्स इट विल फॉलो
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सोचिए रिफ्रैक्ट करने वाला था अच्छा खासा एंड वी आर फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या लिखूंगा मैं इसको, मैं लिखूंगा जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा जुड़ गया सरफेस टेंशन। ओके डोंट माइंड, इधर देखिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ इंसिडेंट एंगल, इफ इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ऑफ कोर्स व्हेन लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, याद रखिएगा रेयरर से डेंसर के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है, समझे। तो व्हेन इफ इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन लाइट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। समझे, तो अच्छे से इसको लिखिए। सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल है जिस पर रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द सरफेस, या रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री। समझे, यहां पर आप स्नेल्स लॉ नहीं लगा सकते, दिक्कत हो जाएगा। सॉरी यहां पर आप स्नेल्स लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि वो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। एंड इफ द एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन द लाइट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, यानी अंदर का ऑब्जेक्ट अगर ऐसा इंसिडेंट एंगल बना रहा है जो उस डेंसर रेयरर पेयर का क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो फिर आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे जबकि मीडियम ट्रांसपेरेंट था, जबकि मीडियम ट्रांसपेरेंट था। तो वही हो रहा था जब मैंने ग्लास को पकड़ा था और मुझे उस पानी से होते हुए कांच के उधर जो है उंगलियां वो नहीं दिख रही है, समझे, क्योंकि वो डेंसर से रेयरर में आ रही है, ग्लास से वाटर, तो ऐसा हो रहा है कि वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, समझे। और वही अगर आप जोर से दबा दीजिएगा तो क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है ग्लास और उंगलियों के बीच में, उसके अंदर हवा है, समझे, तो वो हवा भी आप फूल कर देते हैं, फील कर देते हैं, यानी हवा नहीं है। जोर से जब दबा देंगे तो उंगलियों और ग्लास के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहता है, इसलिए फिर उंगलियां दिखता है। खैर दैट इज नॉट आवर कंसर्न टॉपिक, टॉपिक यही कि उंगलियां क्यों नहीं दिखता है, उंगलियां क्यों दिखता है वो टॉपिक नहीं है, समझ गए आप, इसको लिखिए अच्छे से। अब चलिए हम इससे एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि अगर आपको डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, अगर आपको डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो आप क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखेंगे वी नो कि इफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो आर कितना हो जाता है 90 डिग्री, है ना, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। यानी अगर आप ये नॉर्मल है, अगर आप इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर रखेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे पास होता है, सो रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो अगर आप यहां पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, बाय स्नेल्स लॉ, अच्छा व्हाई इट इज नोन एज क्रिटिकल, क्योंकि बियॉन्ड दिस एंगल रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड, बियॉन्ड दिस एंगल नो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, देन व्हाट टेक्स प्लेस, रिफ्लेक्शन, समझे। तो स्नेल्स लॉ क्या है बाबू, साइन आई बाई साइन आर इज लाइट जा रहा था डेंसर से रेयरर और आपको डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, इसलिए 1/denser विद रेस्पेक्ट टू रेयरर, समझे। तो साइन आई के जगह आई सी, तो ऑटोमेटिकली आर के जगह 90
because if I is IC, then R is 90 is equal to 1 by mu. तो साइन 90 तो 1 होता है, साइन 90 तो 1 होता है, तो बचा क्या, सिर्फ न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 by mu. तो बच्चों IC का फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 by mu. समझे, इस लॉ का कोई नाम नहीं है, इसे एक फॉर्मूला समझते हुए याद रखिएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल. समझे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल. तो क्वेश्चन आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल. तो कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम बनाना है, ये डेफिनेशन लिखना है क्रिटिकल एंगल का, ये लिखना है, स्लेंस वॉल लिखना है, आई की जगह आई सी, आर की जगह 90, और याद रखिएगा डेंसर टू रेयरर लाइट जा रहा है. समझे, ठीक है, इसको भी लिखिएगा अच्छे से. अब चलिए एक आधा न्यूमरिकल देखते हैं हम, एक सिंपल न्यूमरिकल देखते हैं पहले, फिर एक मीडियम लेवल का न्यूमरिकल देखते हैं, और फिर एक अच्छा न्यूमरिकल देखते हैं. समझे, चलिए न्यूमरिकल न्यूमरिकल. ओके, क्वेश्चन, व्हेन, नहीं, क्या गिवन है, म्यू ऑफ ग्लास इज 3/2, म्यू ऑफ वाटर इज 4/3. तो फाइंड द क्रिटिकल एंगल, फाइंड द क्रिटिकल एंगल या फाइंड द मिनिमम एंगल बियॉन्ड विच, बिलो विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल नॉट टेक प्लेस. ऐसा भी पूछ सकता है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल, और ऐसा भी पूछ सकता है फाइंड द मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तीर, तो कुछ नहीं करना है, आपको तो पता है कि साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेरर, जिसका एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखिएगा, म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर. तो इन दोनों में रेरर कौन है, पानी, दिस इज रेरर एंड दिस इज डेंसर. अबे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो रेरर वो डेंसर, ये 1.5 आ रहा है, ये 1.33 आ रहा है, तो यहां मैं लिखूंगा 4/3, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर अपॉन 3/2, तो कितना हो गया 8/9. समझे, तो साइन आई सी इज 8/9, तो आई सी इज साइन इनवर्स ऑफ 8/9. अब 8/9 का साइन इनवर्स कितना होता है मुझे पता नहीं है, अगर ये 1/√2 होता तो मैं आई सी बोलता 45, अगर ये √3/2 होता तो मैं आई सी बोलता 60, अगर ये 1/2 होता तो मैं आई सी बोलता 30. 8/9 का मुझे नहीं पता. समझे, खैर समझ गया आपको कि हम कैसे डेंसर और रेरर जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा तो याद रखेंगे नीचे डेंसर का लिखना है, ये नंबर लेस देन छोटा होना चाहिए 1, ये नंबर 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि साइन कभी 1 से ज्यादा नहीं होता है. समझा ये क्वेश्चन, ठीक है. अब एक और क्वेश्चन करते आइए, इसको लिख लीजिएगा. हम एक प्रिज्म लेंगे इस शेप का, यानी ग्लास का डब्बा है, मान लो ये एंगल मान लो 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 है, ये 90 है. वो बोल रहा है कि एक इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू फेस ए बी हमने दिया, लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू फेस
ए बी पैरेलल नहीं सॉरी परपेंडिकुलर टू, है ना। तो लाइट ऐसा गया परपेंडिकुलर, तो विदाउट एनी डिविएशन लाइट यहां पहुंच जाएगा, पहुंच गया ठीक है। अब ये एंगल 90 है, चलिए यहां पर मैं एक नॉर्मल बना देता हूं, और वो पूछ रहा है कि फाइंड मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट फेस सी डी। सी डी पर लाइट ने टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, सी डी फेस में लाइट ने टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये मीडियम का म्यू कितना होना चाहिए, और ये मान लीजिए बाहर एयर है, तो बेटा आराम से आप ये एंगल वैंगल निकाल सकते हो, है ना। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये 60, ये 90, ये 90 कितना हो गया 180, और 60 240, 360 माइनस 240 120, यानी ये एंगल पूरा हो जाएगा 120। सर कैसे नहीं समझा, अबे कोई भी क्वाड्रिलेटरल का तीनों चारों एंगल मिलाकर कितना होता है 360, है ना। तो 60 90 150 150 और 90 240 बचा कितना 120, कितना बचा 120। 120 में से ध्यान से देखिएगा, 120 में से नॉर्मल तक एंगल 90 है, तो बाकी कितना होगा 30। अब आप चाहते हैं कि बस लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाए, ये ग्लास है एयर में ना जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो आप चाहेंगे कि यही उसका क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, यही चाहेंगे। तो आप लिखेंगे कि साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ, तो आई सी कितना है 30, आई सी है 30, समझे, इज इक्वल टू 1/μ। नाउ साइन 30 इज 1/2, 1/μ, तो म्यू इज इक्वल टू 2। आई बात समझ में, तो म्यू जो है कम से कम 2 होना चाहिए, उससे कम अगर हुआ, आई थिंक कम से कम नहीं मैक्सिमम पूछना चाहिए था, फाइंड द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अगर इससे ज्यादा म्यू होता तो ये वैल्यू कम होता, ये वैल्यू अगर कम होता तो आईसी भी कम होता, और हमें मैक्सिमम एंगल चाहिए होता है, इसलिए म्यू भी मैक्सिमम होना चाहिए। खैर दैट इज नॉट द पॉइंट, बट आप समझे, यहां से रे परपेंडिकुलर गया मतलब सीधा पास हो गया, फिर हम लोग थोड़ा मोटा ज्योमेट्री लगा के ये एंगल 30 पता कर लिए, और वो पूछ रहा है कि लाइट रे जो है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, तो ये एंगल क्रिटिकल होना चाहिए, समझे। ये एंगल क्रिटिकल से ज्यादा भी चलेगा, बट कम से कम क्रिटिकल होना चाहिए, तो कम से कम क्रिटिकल होना चाहिए अगर, तो म्यू भी मैक्सिमम कितना होना चाहिए 2। आई बात समझ में, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, JEE में नीट में, समझ में आया, आई ना बात समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं अब, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है वो भी, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन का टॉपिक का नाम है मछली का दुनिया, मछली का दुनिया। सर मतलब ज्यादा सेंटिमेंटल मत होइए, बहुत सिंपल है, देखिए मान लीजिए पानी के अंदर मछली है, पानी के बाहर भी तो मछली हो सकता है ना, अगर खाना है तो। डोंट टॉक रविश सर, हम नॉनवेज नहीं है। तो मान लीजिए पानी के अंदर मछली है, ठीक, ऐसा मछली बना दिया उन्होंने,
हाँ पानी के अंदर मछली है। हाँ अच्छा एक्सपीरियंस दिख रहा सर आपका मछली का। तो बोल रहा है आप ऊपर से देख रहे हैं ठीक है, और मान लीजिए आपको जो दिख रहा है वो हाइट है 15 मीटर, मान लीजिए 15 मीटर बहुत हो गया, 5 मीटर, 5 मीटर नीचे मछली है। तो पूछ रहा है कि आप जब उसको देखिएगा तो मैक्सिमम कितना एरिया से आप उसको देख सकते हैं, उसके बाहर से आप नहीं देख सकते, यानी इसके बाहर भी अगर आप देखिएगा, समझे, अगर आप इसके बाहर देखिएगा यानी यहां से आप उसको मिनिमम देख सकते हैं, यहां से आप मिनिमम देख सकते हैं, और अगर उधर जाइएगा तो आपको मछली नहीं दिखेगा। सर ऐसा क्यों, और आपने गोल क्यों बनाया सर, सब बताएंगे टेंशन मत लो। पहले तो एक काम करो, एक ऐसा बनाओ, बना दिया, फिर यहां पर एक नॉर्मल बना दो, बना दिया, और मान लो कि ये क्रिटिकल एंगल है। तो बेटा जो लाइट रे मछली से निकल रही है, सर मछली लाइट देती है, अबे ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है ऐसा मानते हैं हम, ठीक है, तो जो लाइट रे मछली से निकल रही है और वो क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, वो लाइट रे क्या करेगा, पानी के सरफेस में ग्रेज करेगा, और उसके बाद जो एंगल होगा उसका एंगल तो आप समझ सकते हैं, इट विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपको दिखेगा कैसे, अगर वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया तो आपको दिखेगा कैसे, समझे ना। तो आपको ऐसा इंसिडेंट एंगल चाहिए जो क्रिटिकल एंगल से कम हो ताकि रिफ्रैक्शन हो और आपको दिखे, रिफ्रैक्शन हो और आपको दिखे। आई बात समझ में, रिफ्रैक्शन हो और आपको दिखे। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट एंगल है इट इज लेस देन आईसी, इसलिए रिफ्रैक्ट हो रहा है, ये आईसी है इसलिए अलोंग द सरफेस गया, नाउ दिस एंगल इज मोर देन आईसी, ये तो अंदर ही अंदर पानी के अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पानी के अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो रे इधर से आ रही है वो आप तक नहीं जा सकती क्योंकि वो तो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब आप मछली को नहीं देख सकते। अच्छा चलो ठीक है, ये तो आपको समझ गया कि कम से कम आपको यहां से पहले देखना होगा। तो बेटा लाइट जो होता है वो तो हर दिशा में जाता है, लाइट जो होता है वो तो हर दिशा में जाता है ना, कि एक ही दिशा में जाता है। हर दिशा में जाता है, इसलिए हमने ऊपर में एक सर्कल बनाया, समझे, समझे। लाइट तो ऐसा भी जाएगा और ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तो ये पासेस अलोंग द सरफेस। अब इससे जो भी कम एंगल होगा, जितने भी एंगल इससे कम होगा, जो इस एरिया में गिरेंगे, जो इस एरिया में गिरेंगे, इंसिडेंट एंगल जो आईसी से कम होगा वो इस एरिया में गिरेगा। एक ऑब्जेक्ट से आप सब तरफ लाइट निकालो और बोलो कि इससे बाहर मुझे नहीं दिख रहा है, तो वो क्या होगा, गोल होगा, समझे। तो इस गोलाई से बाहर आपको नहीं दिख रहा है, तो वही पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द वाटर सरफेस थ्रू विच द फिश इज विजिबल, समझे। अब सुनिए ध्यान से, अब बाकी कचरा मैं मिटा रहा हूं, जिस कचरे की आपको जरूरत नहीं है वो मैं मिटा रहा हूं।
मोर देन क्रिटिकल एंगल लेकर क्या कीजिएगा, जब आपको सिर्फ क्रिटिकल एंगल तक ही दिख रहा है तो मोर देन क्रिटिकल एंगल लेकर क्या कीजिएगा, समझ गए? तो अगर आप इस सर्कल का एरिया चाहते हैं, देखिए पहली बात तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए ग्रुप पे कि आपको ये समझा कि नहीं समझा कि एक सर्कल में वो एरिया होगा जिसके अंदर से आप देखेंगे तो मछली दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। इसका आंसर है कि लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से हर दिशा में निकलता है, और कुछ दिशाएं अगर ब्लॉक हो जा रही है तो रिमेनिंग दिशा का जो लाइट होगा वो सर्कल होगा, समझे? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको इस सर्कल का एरिया चाहिए तो आपको ये रेडियस चाहिए होगा, दिस रेडियस विल बी मैक्सिमम रेडियस, है ना? तो इस सर्कल का एरिया विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर, तो मैक्सिमम एरिया इज पाई इंटू मैक्सिमम रेडियस का स्क्वायर। नाउ आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक 15 फीट है, 15 मीटर है, सॉरी 5 मीटर है यहां से लेकर यहां तक, और आपको पता है कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल है तो ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल होगा। अब मान लीजिए पानी का जो म्यू है वो 4/3 है, समझे? तो मैं क्रिटिकल एंगल तुरंत निकाल सकता हूं, साइन आईसी इज इक्वल टू 1/μ, तो आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, तो इनवर्स करूंगा तो फंस जाऊंगा क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 4/3/4 आई डोंट नो, तो लेट इट बी लाइक दिस, साइन आईसी इज 1/μ, तो साइन आईसी इज 1/4/3, चलिए साइन आईसी निकल गया। अब अगर मैं सोचिए अगर मैं टेन आईसी निकाल लेता हूं तो मैं आर मैक्स निकाल सकता हूं, तो टेन आईसी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी आर मैक्स बाय 5। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट टेन आईसी, इट्स अगेन वेरी सिंपल, छोटा मोटा मैथ से सब गौर से सुनिएगा, जब आपको साइन पता रहता है तो आप टेन कैसे निकालते हैं। देखिए मान लीजिए साइन थीटा एक्स है तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा होता है 1-x² का अंडर रूट, ऐसा क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, समझे? तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मैं बता सकता हूं टैन कितना होगा, समझे? समझे? तो साइन थीटा कितना था, एक्स था, तो टैन थीटा कितना होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1-x², समझे? तो आप साइन से कॉस और फिर दोनों से टैन निकाल सकते हैं। तो चलिए टैन आईसी की जगह लिखता हूं मैं एक्स बाई अंडर रूट ऑफ 1-x² इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 5। इट्स वेरी इजी, हाँ एक्स क्या है, एक्स क्या है जो साइन आईसी है ना, यानी 3/4, तो मैं एक्स की जगह लिखूंगा 3/4 और यहां लिखूंगा 1-3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 5। आई होप यहां से आप आर मैक्स निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अलग से कितना हो रहा देखते हैं, 3/4 बाय अंडर रूट ऑफ 1-9/16, तो 3/4 बाय 9, 16 - 9, 7 और 16 का रूट 4 कैंसिल, तो 3/√7 आया, कौन, tan थीटा, यानी sin थीटा अगर 3/4 है तो tan थीटा होगा 3/√7, समझे, 3/√7। तो इसके जगह मैं लिखूंगा 3/√7 इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 5 एंड ग्रेट आर मैक्स इज, मुझे आर मैक्स मिल चुका है
यहां लिखूंगा मैं आर मैक्स इज कितना 15/√7 और मैं इसको यहां पर पुट कर दूंगा, यहां पर एरिया का फॉर्मूला में पाई मतलब 22/7 एंड आर मैक्स का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर इज 225 बाय रूट 7 का स्क्वायर इज 7। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट इज द एरिया मैक्सिमम बियॉन्ड विच यू कैन नॉट व्यू सी लुक वॉच पीप द फिश। तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग कि आपको ये समझा कि नहीं समझा कि ये गोल क्यों होगा और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा जरूर। और अब हम लोग अगले टॉपिक में रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस पढ़ेंगे और बहुत दिलचस्प है टॉपिक। चलिए बाय।